आइए दोस्तों, पाइथन पार्ट 84 में हम रिटर्निंग सिंगल एंड मल्टीपल वैल्यू का यूज करना देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा कोड है। यहाँ पे हमने डेफ की लगा के एक अपना एड फंक्शन बनाया है और एक्स और वाई वेरिएबल दिए, जिसमें सी में हमें प्रिंट कराया और लास्ट में हमने बस यहाँ पे रिटर्न सी कराया। रिटर्न सी कहाँ होएगा? रिटर्न सी पहले यहाँ पे आएगा, उसके बाद वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद फिर हम इस वेरिएबल को, मतलब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे। बस यहाँ पे इतना सा काम है, ठीक है। और ये चलेगा कैसे? ये चलेगा यहाँ से। पहले ये यहाँ से हम इसको कॉल करेंगे तो ये यहाँ से चलेगा और ये ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर चल के आएगा। जब रिटर्न में आएगा तो वापिस ये वैल्यू को यहीं लाएगा और यहाँ से हम इसको प्रिंट करा लेंगे। चलिए इसको रन करके देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। तो देखिए हमारा आंसर 30 आ गया, ठीक है। अब यहाँ है दोस्तों एडिशन। देखिए यहाँ पे रिटर्न के साथ हमने यहाँ पे फंक्शन का यूज किया है। देखिए पहले हमने यहाँ पे सी, खाली सी लगाया था, इसको मतलब शॉर्ट में लिखा है। यहाँ पे ये वाली जो पार्ट है ये वाला स्किप कर दिया है, ठीक है। इसको हमने यहीं लिख दिया है। तो अब क्या होएगा दोस्तों, ये जब यहाँ से हम इसको कॉल करेंगे तो यहाँ से चलेगा, यहाँ तक आएगा और यहाँ पे रिटर्न में ही इसका वो आंसर रखेगा और यहाँ से ये फिर वापस यहीं भेजेगा और यहाँ पे इसको प्रिंट करा लेंगे इस वेरिएबल को, तो ये हमारा आंसर दे देगा। देखिए दे दिया, नहीं दे दिया 30। अब नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, इसमें हम पैरामीटर दे रहे हैं दोस्तों, विद पैरामीटर है। पैरामीटर के साथ यानी कि हमने एक्स की वैल्यू तो यहाँ दी है, वाई के हम पैरामीटर में दे रहे हैं, तो हमें एड फंक्शन के साथ अपनी वैल्यू देनी पड़ेगी जो कि हम यहाँ देंगे। यहाँ से ये रन करेगा और ये यहाँ चल के यहाँ पे ये अपना आंसर लाएगा, मतलब आंसर को रिटर्न करके यहीं लाएगा और यहाँ से ये फिर यहाँ भेजेगा और यहाँ पे हम इसको प्रिंट करा लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं। देखिए हमारा आंसर आ गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, रिटर्न स्टेटमेंट मल्टीपल वैल्यू। चलिए यहाँ पे हम मल्टीपल वैल्यू दे रहे हैं और उसको रिटर्न करा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमने एक डेफ की ली, उसके बाद हमने एड फंक्शन बनाया, एक्स की वैल्यू दी और सी में हमने एक्स वाई की वैल्यू दी, फिर हमने डी में एक्स, यहाँ मतलब सी में हमने प्लस कराया और डी में हमने माइनस कराया। रिटर्न में हमने लिया सी, डी और 50। देखिए ये 50 हमने अलग से लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है, इसका कहीं और नहीं है। अब आइए फंक्शन पे। फंक्शन में को जब हम सम, मतलब एक वेरिएबल में साइन करते हैं तो कोमा लगा के सब और ए, ये हमने लिखा है। उसके बाद क्योंकि हमारे ये दो हैं तो हमें दो ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। हालांकि तीन है, तीन ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे दोस्तों। देखिए एक ये हो गया, एक को हमने ए दे दिया, एक को सब दे दिया और एक को सम दे दिया, ठीक है। तीन ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। जब ये रिटर्न करेगा तो यहाँ पे तीनों को करेगा और इज इक्वल टू लगा के एड फंक्शन में हमने पैरामीटर दे दिया। देखिए ये रहा पैरामीटर हमारा 20, जो यहाँ पे वाई में आ जाएगा, असाइन हो जाएगा। जब ये रन करेगा इसका आंसर यहाँ आएगा पहले, यहाँ से फिर ये आंसर यहाँ जाएगा और यहाँ से फिर ये आंसर हमारा पहले सम वाला सम में आ जाएगा, सब वाला सब में आ जाएगा और प्रिंट ए वाला ए में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। और ये ऑर्डर वाई ही देगा, यानी कि सम में जोड़ आ जाएगा, सब में सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, मतलब सम में मतलब जोड़, सम का मतलब जोड़ होता है दोस्तों, ठीक है। सब्ट्रैक्ट का मतलब घटाना और ए का ये वैल्यू आ जाएगी। चलिए रन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों आ गया, यहाँ से इसको ये वाला आंसर मिल गया, ये वाला पहले में 30 आ गया, दूसरे में हमारे में 10 आ गया और ये वाली की हमने दी थी तो यहाँ 50 आ गया, ठीक है। इस तरह से काम करता है ये, ठीक है दोस्तों। चलिए और देखते हैं। चलिए ये यही खत्म है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आगे का पार्ट।